हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस और क्वेरी मुझे इन कैप्सूल्स यानी कि एवियन 400 विटामिन ई कैप्सूल के रिलेटेड मिल रहे थे। कई लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि इसे कैसे खाएं, कब खाएं और खाने के बाद क्या इसके किसी तरह के साइड इफ़ेक्ट्स होने के चांसेस हैं। तो आज हम जानेंगे इसे खाने से क्या फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं, जो मैं आपको आगे वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कीजिए प्रियांश DIY चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए मेरे फ्यूचर वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। एवियन 400 और एवियन 200 mg विटामिन ई कैप्सूल के सप्लीमेंट्स मार्केट में बहुत ही इजीली बिना प्रिस्क्रिप्शन के अवेलेबल है। साथ ही ये काफी चीप प्राइस में भी आ जाता है, जो कि है करीब 25 रुपए पर स्ट्रिप। ये कैप्सूल्स बॉडी बिल्डिंग या ज्यादातर जिम जाने वाले लड़कों में काफी पसंद की जाती है, क्योंकि इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स मसल्स बिल्ड करने में काफी हेल्पफुल होते हैं। तो अब जानते हैं मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन कि ये क्या क्या चीजों में हेल्प करता है और इसे कैसे खाया जाए। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि इसका बाहरी कवच जेलेटिन का बना हुआ है, जो कि नॉन वेजिटेरियन होता है, और विटामिन ई एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि बॉडी में बनने वाले सेल्स डैमेज की प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है। ये कैप्सूल कई सारी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने में बेनिफिशियल है, फॉर एग्जांपल स्किन डिसऑर्डर्स, हेयर लॉस, कैंसर और हार्ट एंड ब्लड डिजीज के प्रिवेंशन में। तो अब जानते हैं इसके डेली डोजेज के बारे में। तो फ्रेंड्स, हम अडल्ट, प्रेग्नेंट वुमन और टीन एज में विटामिन ई की डेली रिक्वायरमेंट्स होती है ओनली 15 mg, और जैसे कि आप सब जानते हैं एवियन विटामिन ई की एक कैप्सूल 400 mg का होता है, जो कि हमारी बॉडी की एक्चुअल डेली रिक्वायरमेंट्स की कंपैरिजन में 25 गुना से भी ज़्यादा है। विटामिन ई को अगर आप बिना डॉक्टर को कंसल्ट करके लेते हैं, तो बॉडी में विटामिन ई की मात्रा ज़्यादा होने से इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि आप जितना हायर डोज लेते हैं साइड इफ़ेक्ट्स भी उतने ही बड़े या खतरनाक हो सकते हैं। देखा गया है कि विटामिन ई की कैप्सूल को लेने से सीरियस स्ट्रोक यानी कि दिमाग की नसों में प्रेशर आने से इंटरनल ब्लीडिंग या फिर डेथ भी हो सकती है, जबकि इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में डायरिया, स्टमक क्रैम्प्स, सडन वेट गेन, ब्लर विजन या फिर वीकनेस आ सकती है। सो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इसे खाने का सोचने से भी पहले प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसके डोजेज लें। और अगर आप इसका एक्सटर्नल यूज़ यानी कि स्किन और हेयर्स के लिए करना चाहते हैं, तो मैंने ऑलरेडी इसकी हेल्प से ऑल इन वन हेयर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हेयर ऑयल शेयर किया है, साथ ही स्किन की अलग अलग प्रॉब्लम्स को क्योर करने के लिए सीरम और रेमेडीज भी शेयर की है, जिसके लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एवियन 400 विटामिन ई कैप्सूल्स के रिलेटेड। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो मुझे कमेंट करके बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आने पर प्लीज़ इसे लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, जिससे मेरा आने वाला एक भी वीडियो आप मिस ना करें।